ज़ वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग रात के बज चुके हैं नो और मैंने आपसे जिक्र किया था ट्रिपी फेरी फॉरेस्ट के बारे में ट्रिपी फेरी फॉरेस्ट जो कि पुलका विलेज में है तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और क्या है ट्रिपी फेरी फॉरेस्ट ये मैं आपको चलते चलते बताऊँगा तो लेट्स गो गाइज ये देखिए फुल मून है फुल मून में ही ट्रिपी फेरी फॉरेस्ट में जाने का मजा है हालाँकि थोड़े से क्लाउड्स हैं लेकिन फिर भी वी विल मैनेज एंड लेट्स गो एंड विजिट द ट्रिपी फेरी फॉरेस्ट लेट्स गो चले भाई चले दादा चलो समाचार ठीक है ना द प्लेस वेयर वी स्टे होटल मारी गोल्ड सो बाई एंड लगभग पहुंच चुके हैं फेरी फॉरेस्ट में ये बिल्कुल होटल के पास ही शुरू हो जाता है तो जी दोस्तों ये है ट्रिपी फेरी फॉरेस्ट भाई होप यू आर सी सी यू कैन और भाई ये रहे चंदा मामा ऊपर एक्चुअली आज क्लाउड्स हैं तो पेड़ों के बीच से चांद है वो ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है हाँ तो फेरी फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो तो भाई फेरी फॉरेस्ट भाई पाए ना ढकते बंटी ऐसी भाई को से निकला दिन में दोबारा आना पड़ेगा ऊपर ये जब फुल मून होता है ना ये जो रेपेड़ा की छड़ी है ना ये नू इसमें तो हाँ हाँ जब क्लियर स्काई होता है ना तब तो दोस्तों तो तो फेरी फॉरेस्ट का मतलब अब मैं बता देता हूँ क्लियर क्या है फेरी फॉरेस्ट ये चीज़ है कि भाई ये इतना डेंस फॉरेस्ट है कि लगभग जो पेड़ों की ऊंचाई है ना वो तीस मीटर पच्चीस तीस मीटर के आसपास होती है तो पच्चीस तीस मीटर की ऊंचाई में जो फॉरेस्ट है ऊपर से इतना डेंस हो जाता है कि जो सनलाइट है जो मून है वो नीचे तक नहीं आ पाती सिर्फ शेड्यूज क्रिएट होती है तो मिल्की जो वाइट जो इसकी वो आती है ना लाइट मून की तो उसमें जो शेड्यूल क्रिएट होती हैं वो लगभग लगभग फेरीज की तरह दिखाई देती हैं ये ट्रिपी लोगों का मानना है हालांकि मुझे ऐसा कुछ अभी दिखाई दिया नहीं है तो फिर तो बाकी कुछ क्लाउड्स भी हैं से तो ये ट्रिपी फॉरेस्ट है ट्रिपी फेरी फॉरेस्ट है इसके इससे ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे बाकी दिन में मैं आपको पूरी कल सुबह दोबारा से आके और इस वग को कंप्लीट करूँगा क्योंकि कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है थोड़ी बहुत शेडोज़ क्रिएट तो हो रही हैं लेकिन कैमरे में वो कैप्चर नहीं हो पा रही है भाई क्या करे अब आईफोन में भी नहीं होंगी तो मैं क्या कर सकता हूँ ज़्यादा तो दिन में शायद मैं जस्टिफाई कर पाऊँ थोड़ा समझा पाऊँ लो, आप लोगों को देखिए तीन दिखता है तो मत रे मंडी बाजना पड़ जाए तो बाजे <laughs> ये एक दो जो घर हैं लोगों के यहाँ जंगल के साइड में बनाए हुए हैं क्योंकि जंगल के साथ में कुछ एक जो रजिस्ट्री वाली जमीन है वो होती है और उससे इधर जो जंगल वालों की फॉरेस्ट वालों की जो है ना तारबाड़ है और यहाँ से भाई ज़्यादा अंदर तो हम भी नहीं जाएंगे इतना रिस्क नहीं लूँगा लोग बनाने के लिए बंटी यार फिर भी हाँ इफ़ यू आर कमिंग टू पुलगा पुलगा अगर आप आ रहे हैं तो रात में विद जिन लोकल्स को जिनको पता है उनके साथ आप अंदर जा सकते हो दैट विल बी गुड दैट विल बी क्वाइट अमेजिंग बाकी भाई ना ही जाओ तो अच्छा है क्योंकि जंगल में है ना चीज़ें पता नहीं कब बद से बदतर हो जाए है ना दोस्त भाई मतलब बड़ी फ्लैश लाइट ले करनी पड़ेगी चलो भाई चलते हैं वापस हाँ जी दोस्तों ब्रेकफास्ट करके वी आर इन फेरी फॉरेस्ट तो भाई यहाँ से कल जो रात हम आए थे तो ज्यादा अंदर तो नहीं जा पाए थे क्योंकि भाई डर लगता है क्योंकि एक आधी बार बालू बालू नीचे आ जाते हैं वो तो ज्यादा कुछ खास है नहीं यहाँ पे लेकिन अब चलते हैं अब ऊपर तक चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये ना सनलाइट जैसे सन की लाइट तो भाई बहुत तेज है लेकिन जो मून की लाइट होती है ना उसकी शेडो हल्की धुंधली यहाँ पे पढ़ती हैं भाई बहुत बहुत जोर लग रहा है <laughs> <laughs>

ये है भाई फैरी फॉरेस्ट और ये पेड़ देखो वाइल्ड वाइल्ड फ्रेम में तो कैप्चर भी नहीं हो पा रहा बहुत पुराना पेड़ है हाँ तो जो हम रात को बात कर रहे थे वो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि ये जो जगह है ना ये जो सारा फॉरेस्ट है ये बिल्कुल ऊपर तक ये बिल्कुल ऐसे ही है डेंस फॉरेस्ट है बिल्कुल यहाँ से भी चढ़ाई होगी हो पाँच सात दस किलोमीटर तक आप ऐसे ही जा सकते बिल्कुल इसमें तो ये सारा जो पुलगा गांव के जो एक है पुलगा गांव पार्वती वैली में इसके साथ साथ है और आप और जो हिपीज़ होते हैं ना हिपीज़ हिपीज, हिपीज यानी वो फूक फाक के जो घूमना फिरना पसंद पसंद करते हैं रातों को भी निकल जाते हैं जो भी है एग्जैक्ट मुझे नहीं पता तो वो लोग इसे फेरी फॉरेस्ट बोलते हैं भाई ये देखो व्यू तो डिफरेंट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे दूसरे फॉरेस्ट से क्योंकि सनलाइट इस तरह से पड़ती है और मून लाइट भी इसी तरह से पड़ती है कभी फिर अगर अगली बार आएंगे ना तो आपको पूरा रात को लाइट वाइट लेके आके टॉर्च अच्छे वाली और फिर घूमेंगे गाइड से बात कर लेंगे क्योंकि तो लोकल्स को फिर भी पता होता है कहाँ जाना है किस तरफ जाना है और कोई जानवर वगैरह अगर आ जाए तो किस तरह से उससे बचना होता है तो ये चीज होती है दूसरा अगर आप आप यहां आ रहे हैं ना तो भाई मेरे हिसाब से गाइड वगैरह को लेके ही जाए ऊपर क्योंकि पहाड़ों में ना एक दिक्कत होती है सबसे ज्यादा आप जब चढ़ते हैं ना तो कितनी भी ऊंचाई पे जा सकते हैं लेकिन जब हम नीचे उतरते हैं ना सारे रास्ते एक जैसे दिखाई देते हैं और फिर दिक्कत हो जाती है फिर आपको पता नहीं होता कि किस साइड जाना है तो इसलिए बिल्कुल भी ना जाए ना जाए मतलब अभी रिसेंटली न्यू ईयर पे भी कुछ एक बंदों के गुम होने की यहाँ पे खबरें हाँ। आ रही हैं कुछ एक बंदे गुम हो जाते हैं गुम वो इसलिए होते हैं भाई फूक फाक के या नशा करके और पहाड़ों में निकल जाते हैं अब रात में कोई बंदा यहाँ जाएगा तब तो तक लाइट वाइट या उसको रास्ता नहीं पता होगा तो कैसे आ सकता है मुश्किल है नीचे उतरना बिल्कुल हाँ। बाकी यहाँ कोई क्राइम व्राइम नहीं है बिल्कुल भी ये मैं ऐश्योर करा सकता हूँ क्योंकि मैं भी इतने लंबे टाइम से आ रहा हूँ लोकल्स को तो न्यूज़पेपर वाले बेवजह टारगेट करते हैं ऐसा कुछ नहीं है बहुत ही सेफ है जीरो क्राइम है और पीसफुल है बिल्कुल जो लोग गुम होते हैं जो लोगों की डेथ होती है वो अपनी उनकी कमी की वजह से हो रही है लोकल्स लोकल्स भी बता रहे थे कि भाई कि यहाँ ना जब लोग नशा करके ना पहाड़ों पर जाते हैं तो पत्थर से पैर फिसल के घाटी में गिर जाते हैं नदी में गिर जाते हैं झरने में गिर जाते हैं ठंड इतनी होती है आदमी एक बार गिर जाए ना फिर दिक्कत आ जाती है बहुत अगर कोई उसके आसपास ना हो उसको लेके आने के लिए ये देखो सनलाइट कैसे गोल्डन शेड्यूज क्रिएट हो रही है है ना मंडी देखिए अरे कैमरे में तो और बड़ी अलग है यही है बस भाई भाई ट्रिप ही तो है क्रिएट <laughs> तो हो रहे हैं <laughs> तो फिर फूकने वालों को और ज़्यादा हो रहे हैं हमें हम सोफी हैं हमें ये हो रहे हैं जब ठीक है जो भी है काफ़ी क्वाइट प्लेस है अच्छी जगह है मस्त विजिट है मतलब पहली बार देख रहा हूं मैं यहाँ पे योगा सेंटर भी अस्टेब्लिश हो रहे हैं धीरे धीरे पहले सिर्फ और सिर्फ होटल्स वगैरह वो थे तो अभी हम ट्रैक करके और ऊपर जा रहे थे ट्रैक करके और ऊपर जा रहा था मैं तो कुछ दिखाता हूँ Degen is goed de gedaan.